Assalamualaikum everyone, this is Asif. Welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं Boya कंपनी की माइक, जिसका मॉडल नंबर है Boya BYM1। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट लेवलियर माइक, और वो तो मेरे पास है। चलिए इसी को अनबॉक्स कर लेते हैं। Before I start unboxing, मैं आपको इस माइक के बारे में कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मैं इस माइक को लेने गया था तो मुझे शॉप वाले ने दो माइक सामने रखी थी। दोनों माइक दिखने में तो सेम थी, लेकिन एक कॉपी थी, एक अथेंटिक माइक थी। सो शॉप वाले से मैंने पूछा कि ये क्या फ़र्क है इन दोनों में। उन्होंने बताया कि प्राइस का फ़र्क है, एक कॉपी माइक है, क्योंकि अमूमन हर शॉप वाला सेल कर रहा है यहाँ पर। तो मुझे तो रियल माइक चाहिए थी, तो मैंने उसके वीडियो बना ली, तो कॉपी माइक थी। सो उसमें मैंने कुछ डिफरेंसेस देखे, जैसे कि लेदर बैग था उसका, और उसका टेक्सचर था बॉक्स के ऊपर, और कुछ वायर की जो क्वालिटी थी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसकी रिकॉर्ड कर ली है मैंने इस वीडियो में। और अनबॉक्सिंग के दौरान मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि फेक माइक जो है इसमें आ रही है, तो उसकी क्या डिफरेंसेस है, आपको कौन सी चीज़ देखनी चाहिए माइक लेने से पहले। ओके, सो दिस इज द बॉक्स ऑफ Boya माइक, एंड इसके साथ एक स्टीरियो टू लाइटनिंग कनेक्टर है। मैं आपको एक पोस्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसकी एक एक डिटेल्स को देखें। यहाँ पे जो एक स्टिकर लगा हुआ है वारंटी का, इसके साइड में जो टेक्सचर है, कलर्स हैं, ये ओरिजिनल के अलग हैं और कॉपी माइक के डिफरेंट हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ यहाँ पे देखें, इसके बैक साइड पे, इसके लेफ्ट साइड पे, इसके फ्रंट साइड पे। ये देखें यहाँ पे, मैंने देखो दिखाया ना, ये वारंटी टैग लगा हुआ है। इसके ऊपर जो है ये एक बार कोड लगा हुआ है, तो इसके अंदर एक सीक्रेट कोड है जो QR कोड के थ्रू स्कैन होगा। एंड ये जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये स्टीरियो टू लाइटिंग कनेक्टर है, क्योंकि मैं आईफोन में रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। सो ये बिल्कुल एक हार्ड पेपर है। कॉपी माइक में मैंने देखा था कि वो बिल्कुल एक सॉफ्ट पेपर की तरह था, उसके टेक्सचर जो था, टेक्स्ट वगैरह, वो बिल्कुल एक डार्क कलर में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर स्मूथ टेक्सचर लिखा हुआ है। ये आप देखें यहाँ पे, ओके, सो दिस इज द बैग। ये एक लेदर केसेस का है कंपनी का। इसकी डिटेल्स चेक करें, Boya का जो स्टैम्प लगा हुआ है यहाँ पे, और बैग की जो क्वालिटी है, इसके अंदर से निकली है Boya की माइक। और इसके अंदर है LR44 बैटरी सेल, एंड एक 1x4 इंचेस का ऑडियो जैक है जो मतलब डिवाइसेस पे लगता है। ये Boya का सर्टिफाइड टैग, ये आपको कॉपी के अंदर नहीं मिलेगा। ये देखें इसकी क्वालिटी, इसकी वायर की क्वालिटी देखें, बिल्कुल ही स्मूथ और एक बेहतरीन किस्म की क्वालिटी है। ये यहाँ पे ध्यान दें, ये एक डिफरेंस है ओरिजिनल माइक में, इसका जो कलर है ना वो मैट टाइप कलर होगा, बिल्कुल सिंपल सा कलर, कोई शाइन नहीं होगी उसमें, ठीक है। अगर आप कॉपी को देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि उसमें जेट कलर है और शाइनी सा कलर है, वो बिल्कुल फेक माइक है। ये यहाँ पे बटन दिया हुआ है, एक ऑफ या स्मार्टफोन, और दूसरा DSLR के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो आप जिसके साथ कनेक्ट करेंगे वो बटन प्रेस कर देंगे। और ये है माइक, ये जिसके बारे में बताया था, 1x4 इंच ऑडियो जैक। ये है इसकी विंड स्क्रीन, ये इसको माइक के ऊपर लगाएंगे ताकि
जो है वो एयर को कंप्रेस कर सकें और ज़्यादा शोर ना आए। ये है इसके अंदर एक बैटरी LR44 बैटरी, जो कि ये माइक के बीच में है, जो बड़ा सा बना हुआ है ना सर्कल शेप में, सिलेंडर टाइप शेप में, इसके अंदर ये बैटरी लगेगी। ठीक है, ये एक कैचर की तरह है जिसको आप अपने कॉलर में अटैच कर सकते हैं या अपनी टी शर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं, या जहाँ पे आपको सूटेबल प्लेस लगे वहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, ताकि आपकी माइक जो है एक ही जगह पे प्लेस रहे। एक साइड पे स्टीरियो जैक लगेगा, दूसरी साइड लाइटिंग जैक है। सो यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था जितना रिकॉर्ड कर सका हूँ, मैंने उतना किया। ये है कॉपी माइक, ये आप इसके साइड पे देखें, इसका टेक्सचर कितना एक डार्क कलर है, सारा टेक्सचर रियल बॉक्स में और कॉपी माइक में बहुत सारा डिफरेंस मिलेगा। ये इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था ना, इसका बैक जो है लेदर पे, इसकी क्वालिटी देखें, आपको दिखने में पता चलेगा कितना डिफरेंस है रियल माइक में और कॉपी माइक में। तो उसकी वायर भी, इसकी क्वालिटी ठीक है, यही सही नज़र आ रही है कि बहुत सारी हार्ड वायर है। और ये देखें, ये जेट जो शाइन मैंने आपको बताई थी ना यार, ये वाजह निशानियाँ हैं जो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉपी माइक है या फेक माइक है। तो ये इसके अंदर से एसेसरीज निकली हैं, इसमें सिर्फ बैटरी सेल और विंड स्क्रीन है, और वो कोई ऑडियो जैक नहीं है, कोई पोया का सर्टिफाइड टैग नहीं है। ये देखें यहाँ पर, अच्छा तो ये है इसका सीक्रेट कोड, इस बार कोड के अंदर लगा हुआ है। मैं थोड़ी देर में इसको खोलने लगा हूँ और इसको स्कैन करके आपको दिखाऊंगा कि आप ओरिजिनल माइक को किस तरह वैलिडेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये मैं इसको खोलने लगा हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे एक बार कोड है, इसको स्कैन करेंगे, ये हमें रीडायरेक्ट करके वेबसाइट पे लेके जाएगा, वहाँ पे हम ये मैन्युअली भी एड कर सकते हैं। अभी हमने इसको स्कैन किया है, ये हमें रीडायरेक्ट करके बोया की वेबसाइट पे लेके जाएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये जो सीक्रेट कोड लगा हुआ था ये यहाँ पे लिख के आएगा, हम उसकी इंक्वायरी करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा कि हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं, ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है या नहीं है। तो थोड़ी देर में ये वैलिडेट हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखें, ये वैलिडेट हो गए, ये ऊपर लिखा हुआ है, द सिक्योरिटी कोड यू आर लुकिंग फॉर इज अ जेन्युइन प्रोडक्ट, प्लीज फील फ्री टू यूज इट। थैंक यू फॉर योर टाइम, प्लीज सब्सक्राइब।